सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। लुक हियर, यहाँ पे देखो ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे तो आ रहा ही नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहती, कितना भी दूर ले जाओ इट इज रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। हाँ बेटा, स्क्रॉल करना है क्या? डन सर। ओके, तो तीनों डेरिवेशन समझ में आया आप लोग को? ठीक है, चलो स्क्रॉल करें कंप्लीटली बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, नाउ तो मैं आगे स्टार्ट करता हूं। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब तीनों आपको डेरिवेशन समझ में आ गए, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हो गए, एक स्फेरिकल शेल का था, दूसरा क्या था, लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज था, और तीसरा क्या था, शीट ऑफ चार्ज, तीन हो गए। अच्छा, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको वी से, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बेसिकली यू से डिनोट करते हैं। आप पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, लेकिन यू से हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं, कैपिटल यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ
ओके मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is defined as work done to configure charges in space. To configure charges in space. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आप घर से बाहर जाते हैं और फर्नीचर और ये सब सामान लेके आते हैं, अपने घर पे लेके आते हैं, उसको अरेंज करते हैं, तो वो उसे वर्कडन करना पड़ता है. सेम थिंग ईयर भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज को कहाँ से लेके आते हैं? इन्फिनिटी से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं, उसको अरेंज करते हैं, या कोई अरेंजमेंट है उसको फिर चेंज करते हैं. अरेंजमेंट होता है चार्ज का जो पोजिशन है ना, बार बार चेंज करते हैं. तो चार्ज की पोजिशन चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, हमें वर्कडन करना पड़ता है. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, रिकॉर्डिंग ठीक है, चलो 180 बन जाता है, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं. ठीक है, देख लो जरा, डेरिवेशन क्लियर हो एवरीवन? डेरिवेशन कर लेंगे ना एग्जाम में आएगा तो, थोड़ा एक एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन डू. दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. सर डेरिवेशन डेरिवेशन बोर्ड्स में पूछते हैं ना? हाँ बेटा, में पूछते हैं, नहीं सीईटी में नहीं. डेल्टा यू का मतलब हुआ पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, ये ध्यान. इसमें स्पेशल केस लिया गया. आप कहेंगे स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस की है, जैसे स्पेशल केस लेट ए पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी. थैंक यू. लेट पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी, तो आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज इनफाइनाइट. एंड लेट पॉइंट बी is at R, तो R2 क्या हो जाएगा? That is R. जैसे मैं अगर इसको special case ले रहा हूँ, formula तुम्हारा वही है, but special case हम ले रहे हैं कि let's say अगर ये suppose कर लो here this is plus Q and इधर infinity है, तो point A हम लोग infinity भी ले ले रहे हैं और point D हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं. Point A at infinity, ठीक है, पॉइंट बी इधर है, तो अब जो डिस्टेंस बनेगा, इसका डिस्टेंस तो आर ले ले रहे हैं और इसका डिस्टेंस हम इनफाइनाइट ले लेंगे, सो आर वन की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी और आर टू की वैल्यू हम ले लेंगे आर. ठीक है, मतलब स्पेशल केस ये बना कि इफ चार्ज इज मूव, इफ चार्ज प्लस क्यू नॉट मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, move from infinity to R, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 R2 की वैल्यू रख देते हैं, तो change in potential energy क्या होगी? 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q Q naught 1 upon R minus 1 upon infinity, anything divided by infinity becomes 0, तो delta U आ जाएगा, that is equal to अच्छा हाँ एक बात और, यहाँ पे इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी ना जीरो लेते हैं, रेफरेंस रेफरेंस हमेशा इन्फिनिटी पे रहता है जीरो, और यहाँ पे हम सपोज कर लो पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं यू, तो डेल्टा यू क्या होगा? दैट इज इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो ये आ जाएगा वन अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, तो यू माइनस जीरो आ जाएगा ये, दैट इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्क्वायर नॉट अपॉन आर, तो यू की वैल्यू आ जाएगी दैट इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जनरल फॉर्मूला हमारा ये बन गया बेसिकली, आप बच्चे कुछ ऐसे भी याद करते हैं कि Q नॉट हमेशा Q नॉट थोड़ी ना रहेगा, तो इसको वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट याद करता है, जनरल फॉर्मूला ये होगा। अगर दो चार्ज हैं Q1 और ये Q2 और डिस्टेंस R है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो, तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट, समझ में आया? कॉपी ऑन द स्पेशल केस। यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पे याद रखना पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया, तो इन्फिनिटी पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, योर रेफरेंस है एट इन्फिनिटी। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, हमेशा ध्यान रखना इस जनरल फॉर्मूला को, कि अगर दो चार रखे हुए हैं तो फिर उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ये होगा बेसिकली अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर।
डन ओके नो जस्ट वेट. अच्छा इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जूल होगा, मतलब ये तो वर्क डन है. प्रोसीजर्स तो यूज करते नहीं है ऐसा, जूल होता है. अच्छा आपकी बुक में कुछ और भी यूनिट दे रखी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके आगे नाम के आगे वोल्ट लगता है, ये वोल्ट नहीं होता है, तो पोटेंशियल वगैरह नहीं होता, ई छोटा होता है वी बड़ा होता है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी होता है. तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, दैट इज 1.6, सुना होगा केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, 10^-19 क्यूब. ठीक है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, किलो मतलब 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.6 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलो का मतलब 10^3 होता है, तो हो जाएगा 10^-16 जूल. ठीक है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब 10^6 होता है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10^-13 जूल. और एक और दे रखा आपके सिलेबस में मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई डोंट इतना दे रखा मिली इलेक्ट्रॉन, मिली मतलब 10^-3 मिली है ये बेटा, दिस इज मिली, दिस इज मेगा एंड दिस इज किलो. हाँ तो ये हो जाएगा 1.6 10^-22 जूल. इज इट क्लियर? तो उन्होंने जो यूनिट्स वगैरह दिया हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा बस यूनिट्स को, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है दैट इज 1.6 10^-19 जूल. इज इट क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? आप यहाँ पे मीटिंग स्टॉप करेंगे, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद एग्जिट करिएगा. ठीक है टुमारो वी विल कंटिन्यू. ठीक है मिस मत करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ऐसे डेरिवेशन भी हैं, तो टेक्निकल भी है, तो ट्राई टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स. थैंक यू. कंप्लीट एंड एग्जिट. कंप्लीट कर लेना बेटा. हाँ इसके बाद एग्जिट करते हैं हम लोग.